देश को ओलंपिक में सम्मान दिलाने के बाद आज रवि दहिया वापस भारत आ रहे हैं और उनके वेलकम के लिए पूरे गांव में से भर के जो बसें हैं वो एयरपोर्ट के लिए जा रही हैं और एयरपोर्ट जाने के लिए जो बसों में पूरे गांव के लोग बैठे हुए हैं पूरा फन किया जा रहा है और पूरी खुशी जाहिर की जा रही है। आपको तस्वीरें बस से दिखा रहे हैं और कुछ ही समय बाद ये बस एयरपोर्ट पहुँचेगी। पूरी खुशी जो अमला बगला दीवाना बात न जाना ओ मन प्यार करती है नहीं होता तो वो ऐसे मुझे आका देख के सड़क नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती मुझे आता देख के सड़क पे। आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए ये बस में रवि दहिया के घर से उनके गांव से बड़ी तादाद में लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और वार्म वेलकम किया जाएगा, जोरों शोरों से उनका स्वागत किया जाएगा और जब से गांव से ये बस चली है तब से पूरी खुशी मनाई जा रही है, तिरंगे फहराए जा रहे हैं, भारत माता की जय के जो नारे वो गूंज रहे हैं, लोगों से भी बात करते हैं। जी कितनी प्यार करती है उठे वो मरती है कभी पीने में कोई खराबी नहीं आज आज पी है हमने हम शराबी नहीं कभी कभी पीने में कोई खराबी नहीं। तो देख सकते हो पूरी खुशी मनाई जा रही है, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ ही समय बाद एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और रवि दहिया जी जिस पल का इंतज़ार था वो पूरा होने वाला है, वो सिल्वर मेडल लेकर बाहर आएंगे और पूरे गांव के लोग यहां पर खुशी मना रहे हैं। कैसा आप फील कर रहे हो वहां पर जाके? अच्छा ही है, फील हम खुशी है जी, हमें बहुत खुशी है, हमें इतनी खुशी है, एक मिनट तो यार हमें इतनी खुशी है जितनी अयोध्या में राम 14 वर्ष बाद राम आने पर अयोध्यावासियों को हुई थी। हमें रवि से मिलने पर इतनी खुशी होगी और सभी देशवासियों से हमारा अनुरोध है, हमारे बच्चे अपने बच्चे रवि को लेने के लिए सभी आए और उसका उसको हार्दिक बधाई दें और उसे अपना आशीर्वाद देकर जिस दिन पता लगा था भी उन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता है पूरे गांव में कैसी तब से लेके आई तक कैसी रौनक बनी हुई है? पूरे गांव में जैसे दिवाली का माहौल होता है वैसी रौनक बनी हुई है। जब से हमें पता चला था कि रवि ने सिल्वर मेडल जीत लिया है तब से हमारे गांव में दिवाली की तरह उत्सव मनाया जा रहा है। बता रहे हैं कि दिवाली जैसे उत्सव मनाया जा रहा है जब ये पता लगा है कि रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है और आज सुबह की बात करें तो सुबह से लेकर अब तक जो घर में तांता लगा हुआ था बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो अब कुछ ही समय बाद जो लोग हैं वो पहुंचेंगे एयरपोर्ट और रवि जो दहिया उनका बहुत गर्म जोशी से स्वागत किया जाएगा। देख सकते हैं एक बार फिर आपको दिखा दूं गांव के लोग हैं जो बड़ी तादाद में लोग वो पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट में और जिस पल का इंतज़ार था
वो इंतजार का जो पल है वो पूरा होने वाला है। सो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ समय बाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और बहुत ही गर्म जोशी से रवि दहिया का स्वागत होगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ परमजीत सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। आखिरकार जिस पल का इंतजार था वो पल पूरा होने वाला है। हम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर है और अब से कुछ समय बाद जो टोक्यो ओलंपिक से जीत प्राप्त करके जो खिलाड़ी हैं हमारे वो आ रहे हैं और उनके आने की खुशी में जश्न का माहौल यहाँ पर देखने ही बनता है। देख सकते हो टर्मिनल थ्री के बाद बहुत ही जो शानदार उनका स्वागत किया जा रहा है, बहुत ही खुशी महसूस की जा रही है और बैंड बाजों के साथ भांगड़ा डालकर उनका जो वेलकम किया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, उनसे बात करते हैं। जो देख सकते हैं रवि दहिया, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, उनके आने की खुशी मनाई जा रही है, वार्म वेलकम किया जा रहा है। क्या हाँ जी, बहुत खुशी हो रही थी रवि दहिया आने के, और हम उनका फूलमाला डालेंगे, अभी डांस करेंगे, बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी, देख सकते हैं खुशी मनाई जा रही है, बहुत खुशी हो रही। क्या जामे बहुत है, पूरा हमारा देश हमारे साथ खड़ा हुआ इस केस में, मैं बहुत खुश हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देख सकते हो जो खुशी साफ चेहरों पर जलती है। मेरा नाम रिंकू है, हम जम्मू से आए हैं और अपने प्लेयरों को चेयर करने आए हैं जिन्होंने हमारे भारत वर्ष का नाम रोशन किया है और ऐसे ही हमारा भारत आगे बढ़ता रहे। हम जम्मू से उनके लिए बहुत सारा प्यार लेके आए हैं। भारत माता की जय। तो देख सकते हो जम्मू से इतनी दूर से जो हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश भर में अपना नाम रोशन किया देश भर का, वो उनके वेलकम के लिए कुछ समय बाद वो बाहर आएंगे और उनके वेलकम के लिए कैसे लोगों की भीड़ जुटी हुई है।